सो फ्रेंड, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और मैं ही को भी देखे पीठ पे चढ़ा है, दबा रही है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। सो करके उठे तो अचानक से पूरा दर्द हो गया, मैं ही अभी दबा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है फ्रेंड, छोड़ दो भाई। अब नहीं नहीं दे रहा है तू दे दीदी, मटर का नहीं बोली। सुबह सुबह मटर खा रही है, देखिए बिना बारिश के। अबे हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड, और हम भी अच्छे हैं। और हमारा तो हालत देख ही रहे हैं, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है पीठ साइड में। और जब माही अभी आई थी वो हमको जगाने के लिए, तो अभी इसको बोले कि पीठ पे चढ़ो, पूरा तो अभी चढ़ी है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, पता नहीं सोने से लग रहा है कि दे रहा है। और इसको देखिए कैसे खा रही है, बिना ब्रश किए खा रही है फ्रेंड। और सुबह के बज रहे हैं 6:40 हो रहा है, और अभी देखिए इसको कैसे खा रही है। और सबको हम 8 बजे उठते हैं, लेकिन 6:40 में उठा दी है, इतना चिल्ला रही है सुबह से उठ के, सबको उठा दी है आज, पूरा दम दौड़ दौड़ के सबके रूम में जा जाके उठते हैं। अब जग गए हैं तो उठ जाते हैं जल्दी में ही, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है फ्रेंड। और हमारे घर आज गेस्ट भी आने वाले हैं, तो चलते हैं उठते हैं, क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा है, और काम करते करते टाइम भी चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो चलते हैं थोड़ा, और लगता है कि बादल किया है, पूरा ठंडा भी लग रहा है, ये बारिश हो जा रहा है ना तो ठंडा और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो चलते हैं, मम्मी भी उठ रही है, सारे लोग उठ गए हैं। तो आज माही सबको उठा दी है, पूरा चिल्ला चिल्ला के, इतना चिल्ला रही थी सुबह से कि क्या ही बताएं। तो अभी मैं सोई हुई हूँ, चलते हैं उठते हैं। क्या खा रही है? टुक टुक को खाना खिलाने जा रही है। चलिए फ्रेंड, हम भी उठते हैं पहले। फ्रेंड मैं उठ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, और अभी धूप नहीं निकला है उतना अच्छा से, देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट उठ करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है फ्रेंड, और देखते हैं क्या खाना बनेगा। बाकी अभी किचन का दर्शन कर लिए हैं, जाएंगे थोड़ा देर के बाद। बाकी सारे लोग अभी सोए, देखिए मौसी लोग भी अभी उठ रही हैं, हम मम्मी उठी है, उसके बाद सागर, फिर हम। मम्मी अभी देखिए वहाँ पे गोबर उठा रही है, देख सकते हैं। और इधर बाबा बैठे हुए हैं ब्रश करके, और हमारा मिट्टू यहाँ पे, देखिए क्या हुआ। अभी देखिएगा फ्रेंड इसको कैसे करेगा, हम इसको निकालेंगे। तो क्या हुआ तुझे? देखिए कैसे आ रहा है मेरे पास, क्या हुआ? आएगा तो खाली चिल्लाएगा, कहाँ जा रहे हो? वो खवा उड़ लो फर मारे ना, चल। चलो अंदर, बाहर नहीं निकलना है, घूमो मत ज्यादा। हाँ इधर मौसी भी उठ चुकी है।
चलो ऑटो जा रखा ना मैंने, मम्मी गोबर उठा रही है इधर से टाइम है और इधर एक मॉस उठम तो चलिए चलते हैं चाय वाय बनाते हैं, ज़्यादा ठंडा लग रहा है। लाइट भी हमारा चला गया है, अंधेरा हो गया घर। और इतना सारा मटर है, क्या बताना है मटर का कितना लंबे का होगा, और रहेगा तब ना। क्या बनाया जाए, तो चलिए फ्रेंड खाना वाना बना करके आपसे मिलते हैं। और बाकी अभी हमारा बैटरी भी नहीं है और लाइट भी चला गया है, तो लाइट आएगा उसके बाद चार्ज करेंगे। तो चलिए खाना बना करके मिलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 7:35 हो गया। तो चलिए खाना बना करके मिलते हैं। तो हम मौसी बैठे हैं यहाँ पे और अभी जाएंगे नहाने के लिए, और मौसी भी नहाने के लिए अभी जाएंगी। और अभी हम लोग बैठे हैं, गेहूँ डाल करके आए, बहुत तेज़ धूप लगा फ्रेंड, तभी हम लोग यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। बहन भी वहाँ पे बैठी हुई है, तो अभी चलते हैं नहाने के लिए। और बाकी वहाँ पे मम्मी भी हैं, ठीक है। तो कहाँ करें, नहाने जा रहे हैं अब, तो चलिए मम्मी काम कर रही है तो गुस्सा आ रही है, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं और नहाते हैं, नहा धोवा करके मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, मैं नहा वहा करके आकर के छत पे बैठी हूँ, कुछ करने का पता नहीं क्यों नहीं, मन ही नहीं कर रहा है आज, अच्छा ही नहीं लग रहा है। और कारण है फ्रेंड अच्छा नहीं लगने का, तो अभी मम्मी का कॉल आ गया था फ्रेंड, इसलिए बात करने लगे थे। तो अभी बस बैठे हुए हैं और क्या बताएं फ्रेंड, आज अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हमारा ना मिट्टू जो था टुकटू, वो उड़ गया है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस एक है, ये देखिए यही है, ये उड़ता नहीं है, ये बचपन से ही नहीं उड़ता है। छोटा था ना तो ऐसे ही पिंजरा था, इसी पिंजरा जैसा था, छोटा सा उसका पिंजरा था। ये तो बड़ा है, ये बड़ा है, वो छोटा था, तो उसमें ना बचपन में एक छोटा जब था एकदम छोटा सा, तो ये अपना पैर फंसा करके तोड़ लिया था उसी खुद से, तो उसी समय से ये नहीं उड़ता है। और ये हमारा बहुत पहले से है फ्रेंड, वो पुराना वाला हम लोग घर में रहते थे ना उसी समय से है, ये उड़ता ही नहीं है। और उसको लाए थे और अभी वहाँ पे जा करके वो बैठा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, रहता है ना तो मज़ा आता है उसके साथ, क्या करूँ अच्छा नहीं लग रहा है। और वो पेड़ है वहीं पर जा करके बैठा हुआ है, वो देखिए उसी पे बड़ा वाला पेड़ पे जा कर के बैठ गया है। और वहाँ से एक बार आया था यहाँ नीम के पेड़ पर, तो फिर यहाँ से पकड़ने के लिए गया, तो फिर यहाँ से उड़ करके वहीं पे जा कर बैठ गया है। इसलिए आज कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है फ्रेंड, और आज मैं रील भी ऐसे ही बस जैसे मन वैसे डाल दी हूँ, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बताऊँ, उदास उदास लग रहा है, एकदम लग रहा है कि कोई है ही नहीं। रहता था तो बोलता था एकदम टुक टुक, अच्छा भी लगता था, क्या बताऊँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड, क्या करूँ, बस किसी तरह आ जाए। कब से हम नहा वहा करके आ करके यहीं छत पे बैठे हैं इसको ले करके, कि इसका आवाज़ सुनेगा तो शायद आएगा, लेकिन वहाँ से वो आ ही नहीं रहा है, ऊपर ही में आवाज़ दिन भर खाया ना, बस सुबह ही में खाना खिलाए थे, सुबह में खाना खिला करके और ऐसे ही थोड़ा सा छोड़ दिए कि घूमेगा, और पंख फैलाया सो उड़ गया, और उसी समय उड़ाया सो अभी तक नहीं आया फ्रेंड, क्या बताऊँ। अभी बैठी हुई हूँ छत पे, सुबह में भी बैठी थी, आज ना उसी के इंतज़ार में अब आएगा अब आएगा। आज हम 2 बजे नहाए हैं, एकदम ऐसा लग रहा है ना कि क्या बता, एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं आएगा या नहीं, वहीं पे है, इधर उधर हो रहा है लेकिन उड़ ही नहीं रहा है, वहाँ से वहीं पे बैठा हुआ है, आने का नाम ही नहीं ले रहा है वहाँ से, क्या करूँ कैसे उतारूँ उसको समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पे बस बैठी हुई हूँ, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है ना कि क्या करूँ, बस वो आ जाए उसी का इंतज़ार कर रहा है। और वहाँ से उड़ता ना तो उतना ऊपर है फ्रेंड कि उतना ऊपर कोई चढ़ ही नहीं पाएगा, और क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, शाम तक इंतज़ार करते हैं, अगर शाम तक आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर
वहीं पेड़ पे ही बैठा रहेगा वो, फिर जब उसको भूख लगेगा तब आएगा नीचे। उसको भूख लगा है फ्रेंड, लेकिन क्या बताएं, उतना बोल भी नहीं पा रहा है वो भूख के कारण से, क्योंकि उसको भूख लग गया है और सुबह ही खाया है। सुबह 8 बजे उसको हम खिलाए थे और 8 ही बजे खा करके जो उड़ा है सो दिन भर उड़ा ही है पेड़ पे। आज वो भी सोचता होगा आज हम कहाँ आ गए हैं, आज हमको कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा। बहुत प्यारा सा था, हम उसको बाहर निकाल देते ना तो मेरे पीछे पीछे चलने लगता। एक दो बार तो मैं ब्लॉग भी डाली हूँ फ्रेंड उसका, पीछे पीछे देखते थे चलता था, एकदम चिपका रहता था, बस हाथ पे लेते थे ना बस यहाँ पे आकर के बैठता था यहाँ। क्या बताओ चला गया ना, अच्छा नहीं लगा। वहीं पे हम भी यहीं से बैठ करके देख रहे हैं कब आएगा कब आएगा, इसको भी ले करके बैठे हुए हैं कि ये चिल्लाएगा तो इसका आवाज़ से, ये चिल्ला रहा है तो उसका वो भी चिल्ला रहा है उधर से, अभी फिर ये बोल रहा है तो फिर उधर, कभी कभी वो नहीं बोल रहा है, उसको भूख लग गया है। क्या बताएं, बैठा ये देखिए फ्रेंड, ये है ये जो पेड़ आपको सेमर का दिख रहा है, ये पतला वाला, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से देख सकते हैं, ये पतला वाला जो दिख रहा है इसी पे बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है। आ गया यहाँ बोला, कटोरवा दिखाओ ना, हुआ तो आ गया है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, सुबह से 8 बजे से गया है, अभी देखिए भूख लगा है उसको तो आया है। इधर सब बुला रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है। इसको डंटा नहीं है, डंटा से आ मिठू, आओ 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 यहाँ आओ, ले रे पुले, ले तू तो पुले, ले फाटू ले, लो लो। फ्रेंड आ गया है मिठू लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे है, वहाँ पे देखिए कटोरे कटोरे, मौसी बुला रही है झंडा फहरा के। इधर माई भी आ गई है मिठू को बुलाने के लिए। आई टाक टाक टू टू टाक टाक टू टू बुला बुला, आरुकू आ ना तज पकड़ा है तो मुड़ यहाँ से, रात भर तो गाड़ी दबा कर। बरसा भी आ गया, बरसा कुमारी साला, आपका याद पड़ता है ना, बरसा कुमारी साला, बजा बजा बैठ के देखो बजा, आरुकू आ आ आ आ आ आ, स्वागत में ढेर आदमी आ गए हैं, स्वागत के लिए माही आई है, वर्षा आई है, वर्षा कुमारी सल आ गई है, माही कुमारी सल आ गई है, वर्षा कुमारी सल, बुला बुला बुला, आ टुक टुक। तो फाइनली हमारा मिठू पकड़ा गया है फ्रेंड, पकड़ाया नहीं है खुद से आ गया वो, तो अभी खाना खा रहा है, भूख पूरा दिन भर भूखे है, खाना नहीं खाया तो अभी बहन खिला रही है। दिन भर के छुटल है तो इधर बाकी मौसी लोग हैं, बाबा लोग हैं, इधर बैठे हुए हैं, आंटी हैं, इधर देख सकते हैं, यहाँ का मिठवा कैसे कर रहा है। और शाम भी हो चुका है, इधर देखिए गैया बांधी हुई है, बच्चा वहाँ गाय है और उसका बच्चा यहाँ पे है, ये देखिए इसको कैसे है। मत बना जी, और कहाँ, अब तो आ गई, जो वीडियो से जितने डरता है उसको हम उतने बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड आ गया है मिठू और अभी खाना खा रहा है और हम अपना काम कर लेते हैं, पहले सारा सामान इधर उधर है तो लाइट उट भी जला देते हैं, बाकी अभी इधर
मिट्ठू का बोरा यहाँ पे बिछा दिए हैं, इसी पे बैठेगा वो। और अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, शाम हो चुका है और भूख बहुत तेज लगा है। चलिए चलते हैं, और हम आ गए हैं किचन में। तो अभी हमारे गेस्ट नहीं आए हैं, अभी वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आते हैं उसके बाद आप लोगों को मिलाते हैं। और अभी हम चलते हैं, पहले खाना बना लेते हैं क्योंकि वो लोग भी आएंगे तो भूख लगा रहेगा उन लोग को भी। तो चलिए चलते हैं, और बाकी ये हमारा मिरर में देख सकते हैं हमारा लुक। तो चलिए चलते हैं, अब खाना बना लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद मिलते हैं क्योंकि लाइट भी हमारा चला जाएगा। लाइट का तो हाल जानते ही हैं आप लोग, तो चलिए बना लेते हैं खाना। तो फ्रेंड हमारे घर मेहमान आ चुके हैं और खाना बनाने के लिए लगा दिए हैं, क्योंकि मेहमान जब मेरे घर आते हैं तो खाना बनाते हैं और सबको खिलाते भी हैं, टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं, इसीलिए नहीं है खाली बनाते हैं। तो ये देखिए खाते हैं, यही मेहमान है जो आए हैं खाना बना रहे हैं। देखिए बड़का टगरना में चढ़ा है, चिकन बना रहे हैं, चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं इसीलिए यही बना रहे हैं। और खाली बनाते हैं, खिलाते नहीं है, अकेले खाएंगे ये सब, खिलाएंगे किसी को नहीं, बस खाएंगे खुद। अभी देख सकते हैं बन रहा है अभी चिकन, और बाकी खाना बन चुका है इधर। और चलिए बाकी सारे लोगों से मिलाते भी हैं आप लोगों को। अभी मामा लोग हैं, मौसी लोग भी आई हैं। इधर मासी है, इधर बाबू लोग सोया है, ये पिंजरा उसके लिए लाए थे, अभी नहीं लिए हैं, तो हम कहते हैं इसके में रखो, इसके लिए तो ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हम आ गए हैं घर में, और अभी बन रहा है चिकन, मामा बना रहे हैं, तो अभी बनेगा उसके बाद खाएंगे हम लोग। और बाकी अभी देख सकते हैं कपड़ा लेकर के आए हैं मामा, पूरा सूट का कपड़ा ऐसे है, सूट का कपड़ा है। तो चलिए अब खाना बनता है, उसके बाद सारे लोग खाएंगे, और मेहमान थोड़ा घर में ज़्यादा बढ़ गए, भड़ गए हैं, कर भर गए हैं, क्योंकि मौसी लोग भी, दो मामा आए हैं, एक मामा मेरे मामा आए हैं बड़े वाले, और एक मामा के दोस्त आए हैं, तो वो भी मामा ही लगे, और बाकी मौसी आई हैं। तो अभी सारे लोग आराम कर रहे हैं, और बात भी ज़्यादा कर रहे हैं, शायद आप लोगों को सुनाई भी देता होगा, देखिए साउंड सुनाई दे रहा है। और बाकी अभी खाना बन रहा है, मेरे बड़े वाले मामा बहुत ही अच्छा चिकन बनाते हैं, इसलिए वही बनाते हैं, और जब भी आते हैं तो वही बनाते हैं चिकन, तो वही बना रहे हैं। बाकी हम लोग सारा खाना बना चुके हैं, जो भी रोटी चावल जो भी बनाना था बना दिए हैं, और मामा भी बना रहे हैं चिकन, तो उसके बाद बनता है, उसके बाद सारे लोग खाएंगे। टाइम हो चुका है, 9 बज गया है फ्रेंड, तो फाइनली है कि 10, 10:30, 11 बज ही जाएगा हम लोग को खाते पीते सोते तक। तो लाइट का भी अभी जस्ट लाइट आया है फ्रेंड, थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले मतलब लाइट आया है, सारा काम में जब से आए हैं तब से, और आते आते शाम भी हो गया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, 7 बज गया था मामा लोग को आने में। तो बाकी अभी बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं इधर बजे हम बेड पे हैं, और बाकी बन रहा है चिकन, तो चलिए चिकन बन जाता है, उसके बाद सारे लोग खाना वाना खा लेंगे, आराम भी करेंगे, वो लोग भी थक गए हैं। और क्या ही बताएं फ्रेंड, आज तो हमारा तो हालत ख़राब हो गया था, हमारा मिट्ठू भाग गया था, तो उड़ गया था फ्रेंड, क्या ही बताएं, इतना अच्छा दिन भर अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं रील्स भी अच्छा से नहीं बना पाई हूँ, और बाकी आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी, इतना सा भी मन नहीं लग रहा था, लग रहा था ना कि क्या करूं क्या ना करूं, एकदम थोड़ा सा भी नहीं अच्छा लग रहा था। शाम को वो खुद से आया है उड़ करके, वो पूरा घूमा, चारों तरफ घूम लिया, उसके बाद वो जब उसको भूख लगा तो शाम को 6 बजे आया था फ्रेंड, 6:30 बजे आया है, तो बाकी नहीं 6 बजे नहीं 5:30 बजे के लमसम में आया था। तो बाकी अपना वो अभी है, खाना वाना खा लिया है, वो आराम से है। और बाकी इधर देखिए मौसी भी आ गई हैं, हम लोग सारे लोग परेशान हो गए थे फ्रेंड, मौसी भी खूब बुला रही हैं, वो सुन ही नहीं रहा, उड़ जा रहा था बार बार, फिर अचानक से उसको भूख लगा, एक बैग ना सुबह का 8 बजे खाया था, और शाम को फिर उसका शाम हो गया, दिन भर ऐसे ही पेड़ पर, बड़ा सा एक पेड़ था जो कि आप लोगों को पेड़ दिखाए थे, जो पीपल का पेड़ था, सेमर का पेड़ था, उसी पर चढ़ गया था, तो वहाँ से उतर ही नहीं रहा था, तो फिर अचानक से उसको भूख लगा, एक बैग, तब वो उड़ करके आया,
चारों तरफ से घूम लिया, उसके बाद छत पे आ करके बैठ गया। और छोटा वाला जो मिट्टू था उसको वहीं पे रखे थे, तो उसी को देख करके आया। उसके बाद उसको पिंजरे में रखे हैं और दिन भर बिना खाए रह गया, क्योंकि खुद से तो वो खाता नहीं, उसको खिलाना पड़ता है, अभी बच्चा है इसलिए। और दूध चावल उसको कहाँ मिलेगा, उड़ेगा तो फिर आया तो उसको दूध चावल रोटी खिलाया गया। तो अभी शांत है, अभी देखिए बोल भी रहा है। दिन भर उसका खाना नहीं खाया था तो आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। बाकी सब आ गया है, जान में जान लगा, क्या ही पता लग रहा था ना कि नहीं आएगा। हमको तो टेंशन हो गया था, क्योंकि हम ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करने लगे थे, बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले इतना पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं ये मिट्ठू जब से आया तब से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है हमको उससे। तो बाकी और कुछ नहीं फ्रेंड, तो चलिए खाना वाना बन जाता है, उसके बाद खाते हैं। और मैं वीडियो को यहीं तक रखती हूँ फ्रेंड। आई होप कि हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।